हेलो एवरीवन, आज हम लोग का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 22, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का, विच इज़ रिलेटेड टू द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बेसिकली वो इनकम होती है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है। मीन्स हमने जो करंट ईयर में रिसीव किया है बट वो इनकम नेक्स्ट ईयर की है, उसको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बोलते हैं। इसी तरह लास्ट ईयर कुछ इनकम ऐसी हो सकती है जो हमने लास्ट ईयर रिसीव किया था बट वो इनकम करंट ईयर की थी। तो मीन्स जो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का बैलेंस होगा उसको करंट ईयर की इनकम ट्रीट करेंगे, और जो एट द एंड ऑफ द ईयर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट का बैलेंस होगा उसको नेक्स्ट ईयर की इनकम कैलकुलेट करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल इसको इस तरह समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है 98,000, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट लास्ट ईयर का जो था वो था 20,000। तो इसका मीन्स हो गया ये 20,000 इनकम हम लोग ने लास्ट ईयर रिसीव की थी बट ये करंट ईयर की इनकम है, और जो रिबेट गिवन है डिस्काउंट विच विल एक्सपायर 13-14 इज रुपीज़ 14,000, इस इनकम को हमने करंट ईयर रिसीव किया था बट ये इनकम मेरी नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रही है। तो अगर हमें करंट ईयर की इनकम फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 98,000 प्लस 20,000, ये इनकम आपको लास्ट ईयर रिसीव हुई थी बट ये करंट ईयर से रिलेट थी तो इसको प्लस करेंगे, और 14,000 इनकम जो करंट ईयर रिसीव हुई है बट ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रही है इसको माइनस करेंगे। तो 98,000 प्लस 20,000 एंड माइनस 14,000, तो ये टोटल इनकम आएगी 1,04,000। तो ये करंट ईयर की इनकम है। अगर हम जर्नल एंट्रीज़ की बात करें तो आप जर्नल एंट्रीज़ नोट कर सकते हो किस तरह से जर्नल एंट्रीज़ पास की जाती है इन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड से रिलेटेड एंट्रीज़ की। तो सबसे पहले ओपनिंग रिबेट होती है, ओपनिंग रिबेट की एंट्री हम लोग पास करते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। मीन जो लास्ट ईयर की रिबेट थी उसको हमने करंट ईयर की इनकम ट्रीट कर लिया और वो इनकम आपकी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा उसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट अकाउंट। अब इस इनकम में कुछ इनकम ऐसी होगी जो नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रही होगी, उसको हमें लेस करना होगा और एडजस्ट करना होगा, उसकी एंट्री पास होगी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। तो आपने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट को दो बार क्रेडिट किया है और एक बार डेबिट किया है, उसका हम कैलकुलेशंस कर लेंगे और जो नेट बैलेंस आएगा उसकी एंट्री पास हो जाएगी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फोर एंट्रीज है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और रिबेट एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट से रिलेटेड है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर इसको हम देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट बनाना है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस था क्योंकि ये इनकम हम लास्ट ईयर रिसीव किया था और ये इनकम करंट ईयर की थी तो लास्ट ईयर इसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज़ ये वैल्यू आ गई और इसको करंट ईयर की इनकम में ट्रांसफ़र कर दिया गया टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट 20,000 रुपीज़। इसके बाद जो 14,000 इनकम रिसीव हुई थी और वो इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थी, अगर एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री उसकी बताई थी अभी हमने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग हो गई बाई इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट 14,000। इसके बाद इस अकाउंट का बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस का रिट डाउन 14,000। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट बनाना है, जो ओपनिंग बैलेंस था उसको पहले ट्रांसफर किया जाएगा बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की एंट्री बताई थी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट फॉर ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की, देन पोस्टिंग इज द बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट 20,000। जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट रिसीव हुआ था उसकी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, तो पोस्टिंग हो जाएगी बाय कैश अकाउंट 98,000 रुपीज़।
इसके बाद जो क्लोजिंग रिबेट था उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट, तो पोस्टिंग हो जाएगी टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट 14,000। और इसके बाद एक एंट्री बताई गई थी हमें पैनल में ट्रांसफ़र करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट का क्रेडिट दो एंट्री पास की थी और एक एंट्री में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ था उसका कैलकुलेशंस कर लेंगे। और अगर जनरल एंट्री पास करनी होगी तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग इज़ द टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ द बैलेंसिंग वैल्यू 1,04,000। तो ये एंट्रीज होती है रिपेट ऑन बिल डिस्काउंट की एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट से रिलेटेड। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और एक और क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।